देश भर में 1 जुलाई सोमवार से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। आजादी के बाद से आज तक भारत में इसी कानून के आधार पर न्यायिक फैसले होते आए थे। भारत में जब ब्रिटेन की हुकूमत चलती थी तब से लेकर आज तक यानी कि 1 जुलाई के पहले आईपीसी यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह अब बीएनएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस भारतीय साख संहिता बीएसएस लागू हो गए हैं। इसी विषय की जानकारी देने के लिए नवी मुंबई पुलिस आयुक्त मिलिंद भारमे ने पत्रकार परिषद का आयोजन किए थे। उनका कहना था कि नवी मुंबई के नागरिकों तक यह बात पहुंचनी चाहिए भारतीय न्याय संहिता उनके लिए कितना बेहतर और कितने फायदेमंद है। आपको बता दें कि नए कानून में कई धाराएं हटा दी गई है तो कई नई धाराएं जोड़ी भी गई है। वहीं कई अपराधों के लिए धाराएं बदल दी गई है। कानून के इस बदलाव से पुलिस वकील और अदालत के कामकाज में बदलाव आएगा। वहीं देखना यह होगा कि आम लोगों पर कानून के बदलाव कितना बेहतर या कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा या आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। लेकिन पुलिस आयुक्त की बात की जाए तो उनका यह कहना था यह कानून बेहद बेहतर है क्योंकि नए कानून से एक आधुनिक न्याय प्रणाली स्थापित होगी जिसमें 0 FIR ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाना SMS मोबाइल फोन के जरिए समन भेजना जैसे बदलाव शामिल है। वहीं तलाशी और जब्ती समेत जघन्य अपराधों की घटना में घटना स्थल का वीडियोग्राफी जैसे प्रावधान भी इसमें शामिल किए गए हैं। किसी भी मामले में मुकदमा सुनवाई पूरी होने के 45 दिन के भीतर फैसला सुनाया जाएगा। आपको बता दें कि कई राज्य इस 3 कानून को नहीं लागू करने के लिए सरकार को पत्र लिखे हैं और इस पर भी राजनीति शुरू हो गई है यानी जुबानी हमले अभी से शुरू हो गए हैं। फिलहाल राजनेताओं की जुबानी खर्च तो होते रहेंगे पर देखना यह होगा कि महाराष्ट्र में इस कानून के जितने फायदे गिनवाए जा रहे हैं उसके अनुरूप जनता को यह लाभ प्राप्त होता है या नहीं। क्योंकि हमारे देश में कहावत है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहाँ जबकि कानून सबके लिए बराबर है ऐसा कहा गया है पर देखा यह जाता है कि रसूखदार नेता अभिनेता के साथ पुलिस का व्यवहार कैसा होता है और आम आदमी के साथ पुलिस कितने सलीके से पेश आती है। भारत के ज्यादातर जनता को इसकी हकीकत का अंदाजा है। हमने पुलिस आयुक्त से इसी विषय पर बात की है, सुने। अगोदर हे होतं की आरोपी अरेस्ट झाल्यापासून सलग 14 दिवसच तो कस्टडीमध्ये राहू शकत होता। त्याच्यामध्ये फॉर एक्झाम्पल तो जर 7 दिवसांनी बेलवर गेला किंवा तो जर ऍडमिट झाला और वॉट एव्हर तर आणि 15 दिवस उलटून गेले तर त्याला परत कस्टडी मागता येत नव्हती। परंतु आता 40 दिवसानंतर जर JMFC ट्रायबल असेल तर 40 दिवसापर्यंत आज मी समजा एका गुन्ह्यामध्ये 3 आरोपी आहेत। आज मी पहिल्या आरोपीला अटक केली आणि मला 3 दिवसांची PC मिळाली। आता मला त्याच्याकडून काही जास्त मिळेल असं वाटत नाहीये। आय कॅन रिक्वेस्ट द कोर्ट की याला आता JMFC ज्युडिशियल कस्टडीमध्ये जाण्यास हरकत नाही आमची, बट आय रिझर्व्ह माय राईट टू टेक बॅक इन टू पोलीस कस्टडी लेटर ऑन टिल 40 डेज। आणि मला 30व्या दिवशी दुसरा आरोपी भेटला जो सांगतोय की साहेब माझा तो ऐवज जो आहे चोरलेला हा पहिल्या आरोपीला माहिती आहे, आता काय करायचं, तो ऑलरेडी गेलेला आहे, तो बेल झालाय किंवा ज्युडिशियल कस्टडीत आहे, आता मी काय करू। सो टिल 40 डेज आर ओव्हर आय कॅन स्टील रिक्वेस्ट द कोर्ट की आता मला त्याची परत कस्टडी पाहिजे। तो जर जे ज्युडिशियल कस्टडीत आहे जेलमध्ये आहे तर मी त्याची परत पोलीस कस्टडी घेऊ शकतो टिल 40 डेज आर ओव्हर आणि मग ती रुजवात करू शकतो आरोपी आणि हे ते। मग मी समजा 3 दिवस घेतली माझं काम झालं आणि 35व्या दिवशी तिसरा आरोपी पण अरेस्ट केला, मी परत त्याला रिक्वेस्ट करून परत घेऊ शकतो कारण माझे 14 दिवस मी टोटल झालेले नाही आहेत। 40 दिवसापर्यंत मी ते 14 दिवस कसे एक्झॉस्ट करू शकतो। तो सर इसका मिसयूज हो सकता आपको नहीं लगता है? सी मिसयूज हे कोर्टाची परमिशन घेऊनच आहे। जो रसूखदार है वो अपना कभी देखा ही जात जी की हे ना पोलिसांना पण स्ट्रेंथन केलेलं आहे। आपल्याला कल्पना असेल आहे पोलिसांवर ऍक्च्युअली एवढे निर्बंध आहेत। पोलीस स्टेशन मध्ये अनेक CCTV कॅमेरे लागलेले आहेत, हे याच्यासाठी लागलेले आहेत की कुठल्याही प्रकारचं ह्युमन राईट्स व्हायोलेशन होऊ नये। पण त्याच्यामुळे पोलिसांचे बऱ्याच वेळेला तुम्हाला न्यायदान करायचं आहे, न्यायदान करताना तुम्ही व्हिक्टिम फक्त आरोपी 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 बघत राहतात। आरोपीचे हे राईट्स आहे, आरोपी व्हिक्टिमच्या राईट्सचं काय झालं?
म्हणून सांगतोय की या नवीन कायद्यांमध्ये बऱ्यापैकी बॅलन्स साधण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, न्यायदानाचा विचार मांडलेला आहे आणि याच्यामध्ये दोघा नागरिकांच्या हक्क आणि अधिकारांसोबत पोलिसांना पण स्ट्रेंथन केलेलं आहे अंडर ड्यू प्रोसिजर। जाते जाते आपको बता दें कि संगठित अपराध और आतंकवादी कृत को अब राजद्रोह नहीं देशद्रोह कहा जाएगा। तो दोस्तों आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। अब हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाजत, हम जल्द उसी खबर के साथ हाजिर होंगे।